न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा और बात करेंगे बागपत पे गाड़ी लूट करने आए बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शान मोहम्मद जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है। बदमाश पर 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। वहीं एक बदमाश मौके से भागने में कामयाब हुआ है, जिसे खोजने के लिए पुलिस की टीम कॉम्बिंग कर रही है। 16 मामलों में आरोपी है। देखो अंदर देखो एकदम कहाँ लूट की बता। मैं तो गाड़ी थी बस उसी पे लग रहे थे ये साथ। उठा इसे भाई उठा गाड़ी सरकारी बुला गाड़ी। संवाददाता मनु देव उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गया है। मनु, अगर बात यहां पर करें तो जिस तरीके से पुलिस ने कॉम्बिंग चलाई है, यहां पर आगे क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरीके से ये बदमाश पकड़ा गया है, काफी आपराधिक किस्म के इसके वारदातें इसने अंजाम दिया था और फिलहाल एक बदमाश का जो है वो चकमा देने में कामयाब रहा है, जिसकी के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। खुद SP बागपत अभिषेक है वो मौके पर है। एडिशनल SP सहित तमाम जिले का फोर्स जंगलों में कॉम्बिंग कर रहा है इस बदमाश की गिरफ्तारी के लिए। और आपको बता दें कि ये सिंगावली थाने का स्ट्रीट हीटर है। टॉप 10 सूची में इसका सबसे नंबर पहले इसका नाम था और उसके चलते ही इसको आज पुलिस ने जब इसकी सूचना मिली कि आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, इसकी घेराबंदी की, तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की है। जिसके पास से जिस असले से उसने फायरिंग किया वो भी बरामद हुआ है। फिलहाल इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसको अभी जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। लेकिन जो दूसरा इसका फरार साथी है उसकी तलाश के लिए जंगलों में कॉम्बिंग की जा रही है। जी मनोदय, यहाँ पर ये भी अगर इस बदमाश की बात करें तो 16 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे यहाँ पर दर्ज है। देखिए, अभी तक जिसका के बारे में अपराधों की संख्या जब पता चली है वो यही कहना है कि 16 आपराधिक मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे, जिसमें लूट और कौकसी जैसे कई मामले हैं। साथ में अभी एक गाड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए आया था और भी इसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। जो इसका साथी है जो फरार हुआ है उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड तलाशा जा रहा है कि इस पर कितने मुकदमे दर्ज रहे होंगे और कौन वो अपराधी है जिसके साथ ये वारदात को अंजाम देने आया था और आगे इसका मकसद उस लूट की वारदात के बाद क्या था। तो तमाम पहलुओं पर पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। प्राथमिकता के तौर पर इसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि लगातार बागपत पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है और ये जनपद में अगर बात पिछले 3 दिनों की जाए तो 5वां एनकाउंटर बागपत में ये सामने आया है। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुलिस लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रखी है और भागे साथी की यहाँ पर लगातार तलाश की जा रही है। एक बदमाश मौके से फरार हो गया है।